नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। वक्त हो गया है 5 की 8 का। मैं हूं अपर्णा मौजम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए, ज्ञानवापी पर फैसला आ चुका है। अब इंतजार धार की भोजशाला पर फैसले का है। ये वो भोजशाला जिसे छोटी अयोध्या भी कहा जाता है। सालों से विवाद बना हुआ है जो अब तक हल नहीं हो सका है। विवाद मंदिर और मस्जिद वाला है, जो अयोध्या में था बस जगह का अंतर है। ये एक फैसले का नतीजा है जिससे विवाद का मसला खड़ा हो गया। लेकिन ज्ञानवापी पर फैसले के बाद अब धार के लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही भोजशाला का भी हल निकलेगा। अयोध्या की कहानी पूरी, अब छोटी अयोध्या की बारी। एक फैसला, विवाद का मसला, धार की भोजशाला। क्या है विवाद? बसंत पंचमी पर क्यों होता है तनाव? धार की भोजशाला कब खुलेगा ताला? धार की भोजशाला पर मंदिर और मजार की तलवार है। हिंदू पक्ष का अपना दावा है तो मुस्लिम पक्ष की भी अपनी दलील है। मामला अदालत में है और दोनों पक्षों की अपनी दलीलें हैं। फिलहाल भोजशाला में हिंदू पक्ष पूजा पाठ करता है तो मुस्लिम पक्ष नमाज पढ़ता है, लेकिन कई बार तनाव जैसी स्थिति भी हो जाती है। इस समय हम मौजूद है धार की भोजशाला में, जिसे दूसरी अयोध्या भी कहा जाता था। अयोध्या की तरह ही धार में भी भोजशाला को लेकर हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पक्षों के बीच में विवाद है। हिंदू पक्ष भोजशाला को अपने मानता है, वहीं मुस्लिम पक्ष भी अपना दावा करता है कि भोजशाला हमारी है। हालांकि ये पूरा मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है और अभी किसी के भी पक्ष में फैसला नहीं आया है। लेकिन हम बताते हैं आपको कि धार की भोजशाला का आखिर विवाद क्या है। तो आइए चलते हैं हमारे साथ धार की भोजशाला। सालों से विवाद है और विवाद के बीच हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों अपने अपने समय पर पूजा और नमाज पढ़ते हैं। भोजशाला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन है। मंगलवार के दिन हिंदू पूजा पाठ करते हैं तो वहीं शुक्रवार को मुसलमान नमाज अदा करते हैं। आप इसे भाईचारे की मिसाल भी कह सकते हैं, लेकिन कई बार तनाव जैसे हालात भी बन जाते हैं और तलवार की धार पर हक की बात आ जाती है। धार की भोजशाला में 1952 में केंद्रीय पुरातत्व विभाग ने अपने एक्चुअल पोजीशन में लिया। उस वक्त हिंदू और मुस्लिम समाज दोनों में ही इसकी प्रतिक्रिया हुई और 1952 से ही यहाँ पर भोज उत्सव मनना चालू हुआ और उसी साल से यहाँ पर उर्स का आयोजन भी शुरू हुआ। तब से अनेक विवाद होते रहे हैं। उसके बाद दोनों पक्ष कोर्ट में भी गए हैं, लेकिन कोर्ट से अभी तक किसी के भी पक्ष या विपक्ष में कोई फैसला नहीं आया। साधु संतों का कहना है कि ज्ञानवापी के बाद अब भोजशाला पर फैसला आएगा। भोजशाला में माँ वाग देवी यानी सरस्वती की प्रतिमा स्थापित होगी। जैसे भगवान श्री राम की जन्मभूमि पूर्ण निष्कंटक रूप से अबाध्य रूप से जो है स्वतंत्र हो गई, प्रभु श्री राम जी विराजमान हो गए, ज्ञानवापी भगवान विश्वनाथ जो जगत के पूरे जगत के ही विश्वनाथ जीव मात्र की आत्मा है, उनका भी निर्णय आ चुका है लगभग। इसी प्रकार हमारी भोजशाला का आना चाहिए। भोजशाला जो विवाद का मसला है उस पर फैसला फिलहाल बाकी है। दोनों ही पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन फैसला अदालत करेगी। अब अदालत का फैसला क्या आता है, ये तो काल के गाल में ही छिपा है। धार से नवीन मेहर, News 18। तो ज्ञानवापी पर कोर्ट के फैसले के बाद अब भोजशाला को लेकर भी उम्मीद जगी हुई है और इसीलिए जो हिंदू पक्ष है वो उम्मीद भी कर रहा है कि जल्दी फैसला होगा, जल्दी इस विवाद का समाधान भी निकलेगा। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, इतिहासकार अशोक मित्तल जी हैं और साथ ही महामंडलेश्वर शलेशानंद जी महाराज जी हैं। महाराज जी, पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी। महाराज जी, भोजशाला को लेकर क्यों हिंदू पक्ष की उम्मीदें एक बार फिर मजबूत होती नजर आ रही हैं? जी बिल्कुल, देखिएगा कि मैं अभी धार भोजशाला से ही वापस लौट रहा हूँ। आज बड़ा उत्सव था वसंत पंचमी का।
उसके अंदर मेरा उद्बोधन हुआ। उद्बोधन के बाद में मैंने चप्पे चप्पे में वहां पर एक एक कोने जा करके देखा। तो हमारे यहाँ पर दिक्कत ये नहीं है कि अभी क्या चल रहा है। अभी देखिए, ये स्वर्णिम युग के अंदर हम कहेंगे सनातन की पुनर्स्थापना का दौर है। यदि सत्ताएं समझ रही है, अदालतें समझ रही है और वैज्ञानिक साक्ष्यों को सच्ची मायने में, सत्य मायने के अंदर स्थापित किया जा रहा है, जब कार्बन डेटिंग की हम बातें कर रहे हैं, एएसआई की रिपोर्ट्स की हम बातें कर रहे हैं, तो ये कोई किसी की निजी संस्थाएं तो नहीं है। जब इन संस्थाओं ने ये बता दिया कि भाई यहाँ पर सनातन धर्म स्थली रही है, यहाँ पर प्रतिमा रही है, वो प्रतिमा ब्रिटेन में है, तो अब हमें ये लगता है कि यदि अयोध्या 550 साल के बाद में प्रभु श्री राम वहां पर स्थापित हो सकते हैं, हमें लग रहा है ज्ञानवापी के अंदर भी एएसआई की रिपोर्ट, कार्बन डेटिंग्स की रिपोर्ट, साइंटिफिक रिसर्चेस की रिपोर्ट और उसके बाद में अदालत का भी फैसला, तो अब सत्य की स्थापना का युग चालू हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है। तो हमारी आशा है कि और सत्य की स्थापना के इस युग में धार की जो भोजशाला है वहां का ताला कब खुलेगा, इसके इंतजार में अब हर कोई है। अशोक मित्तल जी हमारे साथ जुड़े हैं, इतिहासकार हैं। अशोक जी, इतिहास क्या कहता है, अयोध्या और धार दोनों ही जगहों में, बस अंतर भोजशाला और राम मंदिर का, इतिहास दोनों का एक बराबर, क्या कहेंगे? धार का मामला तो साफ है, यहाँ पर पहले भी ऐसा खुदाई की है, उस खुदाई में काफी मात्रा में हिंदू प्रतिमाएं निकली है, उनको पुरातत्व विभाग मंडल स्थित ऑफिस में ले गया है। उसके बाद कुछ प्रतिमाएं हिंदू संगठनों के विरोध के कारण धार की भोजशाला में सुरक्षित रूप से अभी भी रखी गई है। वे प्राथमिक प्रमाण जो है वो हिंदू समाज के पक्ष में जाते हैं। जहां तक नमाज का प्रश्न है, नमाज 1935 के पूर्व यहां पर कभी भी नहीं हुई। 1935 में भी धार महाराज के अस्वस्थ होने पर उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए दुआ करने के लिए वह स्थान अलॉट किया गया था। इस पर भी केंद्रीय पुरातत्व विभाग को आपत्ति है कि यह मालूम है हमारा है, इसमें धार रियासत को परमिशन देने का कोई अधिकार नहीं है। चलिए, लेकिन अपने आप में अपने अपने दावे हैं लोगों के, इंतजार तो सर्वे का भी होगा और इसलिए कहा जा रहा है कि आखिर इस पर ताला कब खुलेगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। आगे भी आपसे बातचीत करेंगे और चर्चा करेंगे इस पर। बिल्कुल, आगे भी आपसे कुछ और सवाल है जिनके जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे आपके साथ बातचीत में। महामंडलेश्वर जो इतिहासकार जो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, दावों की लड़ाई जारी है, भोशाला मंदिर है या मस्जिद, ये भी सवाल बड़ा है क्योंकि पूरा विवाद इसी से जुड़ा है। लेकिन इस विवाद का एक कारण और है और वो कारण है साल 1935 में एक फैसला। इस फैसले ने भोजशाला पर विवाद और तनाव पैदा कर दिया। आखिर साल 1935 में क्या फैसला हुआ था जिसके कारण ये सब हो रहा है, आपको दिखाएंगे। भोजशाला, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये सरस्वती सदन है जिसकी स्थापना परमार वंश के राजा भोज ने की थी। कहा जाता है कि यहाँ पढ़ाई होती थी। ये एक महाविद्यालय था जो बाद में भोजशाला के नाम से मशहूर हुआ। राजा भोज के शासनकाल में ही यहाँ माँ सरस्वती की प्रतिमा स्थापित की गई थी। इसे हिंदू मंदिर भी मानते थे। 10वीं शताब्दी में महाराजा भोज ने इसका निर्माण करवाया था और इसको संस्कृति और संस्कृत के पाठ के लिए कंठाभरम के नाम से इसको बनाया था। इसमें देश विदेश के बच्चे आकर संस्कृत भाषा की जानकारी प्राप्त करते थे और वो अपना ज्ञान फिर पूरे देश में फैलाते थे। जबकि एक दूसरे अन्य समुदाय का मानना है कि 13वीं शताब्दी में कमाल मौलाना ने इसका निर्माण करवाया। इतिहासकारों के मुताबिक साल 1875 में खुदाई के दौरान यहां मां बागेश्वरी की प्रतिमा मिली थी। 1880 में अंग्रेज इसे अपने साथ लेकर इंग्लैंड चले गए। विवाद की शुरुआत साल 1902 से होती है जब मस्जिद के फर्श पर संस्कृत के श्लोक खुदे हुए दिखे। 1909 में धार रियासत ने भोजशाला को संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया। विवाद का दूसरा पड़ाव 1935 में आया जब धार स्टेट ने भोजशाला के परिसर में नमाज पढ़ने की अनुमति दी थी। यही आदेश आगे चलकर विवाद का कारण बना। उसके बाद यहाँ पर सफाई में एक प्रतिमा निकली थी माँ वाग्देवी की, वो अंग्रेज अपने साथ इंग्लैंड ले गए थे। इसके बाद यहाँ पर नमाज पढ़ने का क्रम 1935 में चालू हुआ है जब धार रियासत में
आनंदराव पवार चतुर्थ का राज था। उसके बाद इस संबंध में दो बार न्यायालय में भी बात चले हैं, एक बात अभी भी प्रचलित है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब जो नया बात चल रहा है उसमें आर्कियोलॉजिकल विभाग को सर्वे का ऑर्डर जल्दी ही कोर्ट दे देगी। आजादी के बाद ये मुद्दा सियासी रंग में रंग गया। मंदिर में प्रवेश को लेकर हिंदुओं ने आंदोलन किया, जिसके बाद मसला अदालत तक पहुंच गया और अभी भी अदालत में विचाराधीन है। हिंदू पक्ष का तर्क है कि राजवंश के काल में कुछ समय के लिए मुस्लिम समाज को नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी। उधर मुस्लिम पक्ष का दावा है कि वो सालों से यहाँ पर नमाज पढ़ते आ रहे हैं। हिंदू भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर मानते हैं तो मुस्लिम इसे कमाल मौलाना मस्जिद कहते हैं। धार से नवीन मेहर, न्यूज 18। तो दोनों ही पक्षों की अपनी अपनी दलील है, अपने अपने तर्क हैं। हमारे साथ लगातार बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, अशोक मित्तल जी हैं और मां मंडलेश्वर जी हैं। अशोक जी, जरा बताएं कि भोजशाला के अंदर ऐसे कौन कौन से प्रमाण हैं, कौन से साक्ष्य हैं जो इतिहास के लिहाज से तो महत्वपूर्ण हो ही जाते हैं और साथ ही जिनकी जो प्रमाणिकता है अदालत में और मजबूत होगी। देखिए, ऐसा है, भोजशाला में एक तो पंजाब बंदरी नाटक जो है पहली भाषा में जो खुदा हुआ है काले पत्थर पे जो लगा हुआ है, जो इस बात का बिल्कुल प्रमाण है कि इसका संबंध सीधा सीधा रियासत काल से है। उसके बाद यहाँ पर जो गुम्बदे हैं उसमें नाग यंत्र बना हुआ है, नाग यंत्र ज्योतिष के काम में आता था और बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी प्रतिमाएं भी रखी हुई है। उसके बाद यहाँ पर ऊपर छत पे लगने का रास्ता अभी ध्वज भी लग गया है, उसके नीचे कमरा है, मशीन मंदिर भी है। तो ये सारे प्रदान स्पष्ट दिखते हैं कि कहीं ना कहीं इसका स्थल हिंदू शब्द कला से संबंध है। ठीक है, अशोक जी वापस से आपके पास आएंगे। शैलाशानंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलाशानंद जी, सवाल ये है कि कहा जाता है कि राजवंश काल के समय में यहाँ पर कुछ लोगों को नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी, जिसके बाद से अब वो हक जताने लगे हैं कि ये हमारा ही इलाका है, ये हमारी ही जगह है, हम यहाँ पर अक्सर आया करते थे और नमाज पढ़ते थे। सवाल ये, आज बसंत पंचमी भी है और माना जाता है कि यहाँ पर सरस्वती जी का मंदिर भी था, इस लड़ाई को कैसे आगे लड़ा जाएगा? महामंडलेश्वर होने के नाते कैसे आवाज उठाया जाएगा? देखिए, आज हम एक स्पष्ट उद्घोषणा करके आए हैं। वो उद्घोषणा धार के अंदर ये करके आए हैं कि देखिए, हम किसी को किराए का मकान देते हैं और बाद में चल करके वही अपना मालिकाना हक बता देता है, ये उचित नहीं है। ये कोई परस्पर सांप्रदायिक विवाद का मुद्दा नहीं बनना चाहिए, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। किंतु ये पाइए कि जब वैज्ञानिक अनुसंधान बता रहे हैं, इतिहासकार बता रहे हैं कि उनके ऊपर जो नक्काशी है वो सनातन धर्म से संबंधित है, उनके ऊपर जो यंत्रात्मक उनका गुंबद है वो गुंबद भी सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है, तो ऐसी स्थिति के अंदर वहां पर ब्रिटेन से पुनः प्रतिमा बुलवा करके स्थापित करने में कौन सी रोक टोक है? नई प्रतिमा भी कोई बनवा करके स्थापित करने में कौन सी रोक टोक है? हम हर चीज में तुष्टिकरण को अपनाएंगे तो हमारी जो नागरिकता है वो अनुशासनहीन होती चले जाएगी। जी, बहुत धन्यवाद महामंडलेश्वर जी, अशोक मित्तल जी, आप दोनों का ही इस महत्वपूर्ण बातचीत के लिए। देखते हैं कि अब फैसला क्या आता है और किसके पक्ष